हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए चैनल अन्वित रतुड़ी न्यू में। दोस्तों, आज मैं पतंजलि के एक बहुत बेहतरीन एक नए उत्पाद की जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के रागी कुकीज़ के बारे में। रागी तो आप लोग जानते होंगे, आप रागी का प्रयोग करते हैं, तो रागी के इस डाइजेस्टिव कुकीज़ की जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या MRP है, क्या क्वांटिटी है, कितने का आता है, सब मैं पूरी वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, और जो लोग मेरे इस नए चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों पतंजलि ने रागी के नाम से अब एक नया कुकीज़ लॉन्च किया है। इससे पहले रागी से पहले एक डाइजेस्टिव कुकीज़ आया था, अब रागी लॉन्च किया गया है। ये पतंजलि का अभी अभी कुछ दिन पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, 200 ग्राम की पैकिंग पे निकाला गया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रागी होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। रागी का देसी नाम होता है मंडुआ। इसे सामान्य तौर पर मंडुआ या रागी का उपयोग अनाज के रूप में होता है, क्योंकि इसे स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत ही पौष्टिक भी होता है। अगर हम दोस्तों इसकी तासीर की बात करें तो इसकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में इसे खाना बेहद फायदेमंद होता है। अब दोस्तों अगर हम बात कर लें इसके फायदों के बारे में, तो यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, एंटी कैंसर, वजन कम करने के लिए काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम करता है, हाई प्रोटीन होता है, हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है, हृदय रोगों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर दोस्तों हम बात करें इसको कब खाया जा सकता है, तो सुबह नाश्ता या दिन में लंच के टाइम पे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही हल्का है, बहुत ही डाइजेस्टिव नाम इसका इसलिए क्योंकि 100% आटा है, ट्रांसफैट फ्री है, गुडनेस ऑफ रागी है। अगर अब हम बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो 200 ग्राम का पैक आता है 75 रुपीज का। और अब हम इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके कंपोजिशन लिखी हुई है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, एनर्जी कितना है पर 100 ग्राम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, एडिड शुगर, डाइट्री फाइबर, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये भी सारा शो किया हुआ है, कितना आटा डाला गया है, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, वीट ब्रान, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसकी कुछ अन्य जानकारी देना चाहता हूँ। रागी के बिस्किट्स या रागी से जुड़ी हुई किसी भी आइटम को कुछ कब नहीं खाना चाहिए, जैसे थायराइड, किडनी में स्टोन हो या किडनी से जुड़ी हुई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आपको इसमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पतंजलि के रागी डाइजेस्टिव कुकीज़ के बारे में आपको जानकारी दी, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे मुझसे कमेंट्स बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना हो, तो आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा इसको बाय करने के लिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलूंगा मैं आपको ऐसी एक अच्छी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।